Hello everyone, I am Radha. I am here with my presentation and today the topic of my presentation is To the Lighthouse by Virginia Woolf. जो वर्जीनिया वुल्फ थी वो मॉडर्न इंग्लिश की मॉडर्न लिटरेचर की बहुत ही फेमस राइटर है और उसे जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसकी पायनियर राइटर माना जाता है. तो उसके जो दो फेमस वर्क हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे गए हैं जिसमें उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का यूज किया है वो है टू द लाइट हाउस एंड मिसेस डोलोवे. तो जो आज की जो वीडियो है उसमें मैं जो वर्जीनिया वुल्फ का जो नॉवल है टू द लाइट हाउस उसके बारे में आपको बताऊंगी और जो ये नॉवल है इसके जो की फैक्ट्स हैं इस वीडियो में जो उसके की फैक्ट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगी. तो ये क्या है जो ये नॉवल है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है और इसके ये 1927 में पब्लिश हुआ था और इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा गया है. यहाँ पर जो सारे के सारे जो करेक्टर हैं वो अपने थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो अपने नेम के साथ जो अपनी स्टोरी है जो अपने माइंड की जो उनकी कॉन्शियस माइंड में चलने वाले जो थॉट्स हैं उनको वो क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं. तो ये क्या है द नरेटर स्पीक्स इन थर्ड पर्सन एंड डिस्क्राइब द करेक्टर एंड एक्शन सब्जेक्टिवली. ये जो है ये थर्ड पर्सन में लिखा गया है मतलब कि जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ये है लेकिन वो अपने जो व्यूज़ हैं उनको सब्जेक्टिवली हमें क्या करते हैं वो सब्जेक्टिवली हमें बताते हैं गिविंग अस इनसाइट और साथ ही साथ वो हमें क्या देते हैं इनसाइट जो उनके अंदर जो चल रहा है वो क्या देते हैं इनसाइट देते हैं into the character feeling and narrative switched the constantly from perception of one character to those of the next. तो इस तरह से मतलब जो ये नॉवल है इसमें जो करैक्टर हैं वो अपने अपने जो माइंड में चलने वाले जो थॉट्स हैं उनको खुद ही वर्णन करते हैं. तो इसमें थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ किया गया है जैसे कि हमें क्या है जो अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हम इसका वर्णन करें तो यहाँ पर जो राइटर हैं कौन कौन है जो यहाँ पर मिस्टर राम से है मिसेज राम से है ये अपने ही जो माइंड की जो कॉन्शियसनेस है उसको खुद ही उसका वर्णन करते हैं. तो आगे क्या है जो इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है अब प्रोटैगनिस्ट को देख लेते हैं. तो इस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट है वो शुरू से लेकर आखिर तक अगर हम देखते हैं तो इसके नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट है वो हमें मिसेज राम से लगती है लेकिन जब हम रियल में देखते हैं तो इस नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट है वो मिसेज राम से नहीं होती बल्कि इस नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट है वो लिली ब्रिस्को होती है क्योंकि जो कहानी है वो सारी की सारी मिसेज राम से के चारों तरफ चलती रहती है लेकिन जब हम वर्जीनिया वुल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि वो इस नॉवल के द्वारा हमें क्या आइडिया देना चाहती है वो अपने रीडर्स को क्या एक्सप्रेस करना चाहती है तो लिली ब्रिस्को के जो करेक्टर है उसके साथ वो हमें पता चलता है. तो लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग है वो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो वुमेन की जो आइडेंटिटी है वुमेन का जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या करती है शो करती है और वो अपना एक एम लेकर चलती है और लास्ट में उस एम को अपनी पेंटिंग को पूरा करके वो क्या कर लेती है अचीव कर लेती है. तो इस नॉवल की जो वर्जीनिया वुल्फ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटैगनिस्ट है वो लिली ब्रिस्को है और अगर हम स्टोरी के अकॉर्डिंग प्लॉट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हमारी इस नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है मिसेज राम से है. अब इस नॉवल का मेजर कन्फ्लिक्ट क्या है इस नॉवल का जो मेजर कन्फ्लिक्ट है वो ये है कि जो सारे के सारे जो करेक्टर है वो एक क्योस से गुजर रहे हैं. क्योस का मतलब होता है उथल पुथल तो उन्हें एक तरह की उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है. तो वो किसी न किसी की जो आइडेंटिटी है किसी चीज़ को लेकर उनमें क्या है क्योस है तो उस चीज़ से ये क्या सफर्ड है. तो इसका जो मेजर कन्फ्लिक्ट है द कॉमन स्ट्रगल दैट ईच ऑफ करेक्टर फेस इज ब्रिंग मीनिंग एंड ऑर्डर टू क्योस ऑफ लाइफ. जो हमारी लाइफ है वो क्योस से भरी हुई है उथल पुथल से भरी हुई है लेकिन लाइफ का वो एक मीनिंग लेकर आना चाहते हैं.
अब नेक्स्ट है फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग का मतलब क्या है कि हमारी एक शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई। तो एक फोर शेडोइंग मतलब एक शेडो की तरह कोई एक ऐसी विश जो हमेशा चलती रहती हो। तो इस नॉवल में फोर शेडोइंग क्या है, तो इस नॉवल में फोर शेडोइंग जो है वो इसमें जो मिस्टर रामसे का बेटा है जेम्स, उसका जो लाइट हाउस में जाने का जो ड्रीम था, सपना था, उसकी जो विश थी, वो फोर शेडोइंग के रूप में इस नॉवल में चलती रहती है। जो इसका शुरू का जो पार्ट होता है विंडो, उसमें जो जेम्स है वो अपनी जो इच्छा है उसको शो करता है कि वो लाइट हाउस में जाना चाहता है। फिर 10 साल जो टाइम पासेस हैं उसमें 10 साल व्यतीत हो जाते हैं। फिर जो हमारा थर्ड जो पार्ट आता है द लाइट हाउस, उसमें वो जो उसकी जो विश थी उसको पूरी कर लेता है, और जो लाइट हाउस है उसकी वो क्या कर लेता है, उसकी वो विजिट कर लेता है। अब हम जो ये नॉवल है उसके जो की जो हैं की पॉइंट है उनमें और भी जान लेते हैं। तो क्या है, रामसे फैमिली विजिट द आइली ऑफ स्काई, जिस आइले जिस जो फैमिली है जिस आइलैंड पर उन्होंने विजिट किया था उसका नाम था आइली ऑफ स्काई। तो ये प्लेस है तो आइली ऑफ स्काई है। और क्या है, इसमें द मॉडर्न लाइब्रेरी नेम्ड टू द लाइट हाउस 15th number इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल। जो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी है वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के बेस्ट नॉवल निकालती है। तो उन्होंने जब 2005 में अपना एक सर्वे किया था तो उसमें जो ये टू द लाइट हाउस था वो जो टॉप इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवल हैं उसमें वो 15th number पर था। और ये मॉडर्न जो मॉडर्न लाइब्रेरी है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 15 नॉवलों में से एक था। अब क्या है, अब इसमें एक्शन कौन कौन से हैं, कोई भी जो नॉवल होता है उसका प्लॉट कब बनता है, जब उसके अंदर एक्शन होते हैं, तो हमें उसके एक्शन का भी पता होना चाहिए। तो इसमें एक्शन कौन कौन से हैं, जेम्स डिजायर टू जर्नी टू द लाइट हाउस, जो जेम्स की डिजायर है टू जर्नी टू द लाइट हाउस की वो लाइट हाउस में क्या करना चाहता है, जर्नी करना चाहता है, जाना चाहता है, तो ये पहला एक्शन है। सेकंड जो है वो है मिसेज रामसेज नीड टू आस्क मिसेज रामसे फॉर सिंपथी। यहाँ पर जो मिसेज रामसे है वो उसकी एक इच्छा है, वो ये चाहता है कि जो मिसेज रामसे है वो सब हमेशा उसके लिए सिंपथी रखे। तो इसका ये मीनिंग है कि जो मिसेज रामसे है वो उसकी वाइफ है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो उसमें ये हमारा जो रामसे है उसके विश के साथ चलता है। जो रामसे है इसमें एक फिलोसफिकल मैन दिखा रखा है लेकिन जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वुमेन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो वो क्या कहता है कि उसकी एक ही इच्छा है कि जो मिसेज रामसे है वो उससे सिंपथी रखे। चार्ल्स टार ने इंसिस्ट दैट चार्ल्स टेंसले इज इंसिस्ट दैट वुमेन कैन नॉट पेंट और राइट। और इस नॉवल के अंदर जो वर्जीनिया वुल्फ है उसने एक ऐसे बंदे को भी प्रेजेंट किया है जो बिल्कुल ही वुमेन के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। जो यहाँ पर चार्ल्स टेंसले है उसका वुमेन को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही नेगेटिव है। उसे लगता है कि वुमेन कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकती है। और जो मिस्टर टेंसले है, चार्ल्स टेंसले है, इसके नेम के साथ जो वर्जीनिया वुल्फ है वो अपनी सोसाइटी में जो फैले हुए जो वुमेन को लेकर गलत व्यूज हैं उनके ऊपर कॉन्ट्रास्ट करती है। तो ये चार्ल्स टेंसले जो है ये हमेशा ये कहता है कि वुमेन कभी भी कोई पेंटिंग नहीं कर सकती और वुमेन कभी भी कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकती। तो ये इस नॉवल का सबसे नेगेटिव बंदा दिखा रखा है जिसकी वुमेन के लिए नेगेटिव सोच है। अब है लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को स्टार्ड अटेम्प्ट हर पेंटिंग। जो यहाँ पर लिली ब्रिस्को है उसका जो करेक्टर है वो बहुत ही अच्छा दिखा रखा है। उसने नॉवल के शुरुआत में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है द विंडो उसमें पेंटिंग करनी शुरू की थी और उसका ये एम था कि वो मिसेज रामसे और जो जेम्स है वो उसकी पिक्चर बनाएगी। और वो इसमें जो पिक्चर बनाती है मिसेज रामसे की वो उसके एग्जिस्टेंस को सर्च करने के लिए बनाती है। लेकिन उसकी जो है पेंटिंग है वो जो हमारा लास्ट पार्ट है
टू द लाइट हाउस में, जो लाइट हाउस जो थर्ड पार्ट है उसमें जो लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग है वो पूरी होती है। तो ये इसका एक्शन है कि जो लिली ने पेंटिंग बनानी शुरू की थी, तो ये इसका एक मेन एक्शन है। और अब इसमें ये तो थे बिगनिंग के एक्शन, अब लास्ट के जो एक्शन है वो कौन से हैं? मिस्टर रामसे ट्रिप टू द लाइट हाउस विद कैमिया एंड जेम्स। जो कैमिया है इसमें कैम लिख रखा है, कैम भी है इसका नाम और कैमिया भी है। जैसे किसी बच्चे का नाम शॉर्ट नाम हम कैम लिख देते हैं और रियल उसका, जैसे उसका रियल नाम कैमिया होता है। जैसे मेरा नाम छोटा नाम निकनेम लेते हैं तो अनु है और पूरा नाम अनुराधा है। तो इसी तरह से क्या है, जो कैम है उसकी डॉटर है और जो उसका एक बेटा है, बेटा कौन है, जेम्स है। तो इनके साथ वो कहाँ पर जाता है, लाइट हाउस की विजिट के लिए जाता है। तो ये लास्ट है। और अब इस वर्क की जो थीम है उसको देख लेते हैं। इस वर्क की जो थीम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस वर्क को अगर हम सिंपल वे में समझते हैं तो हमें ये वर्क है समझ में नहीं आता, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया वर्क है। लेकिन हमें इसकी थीम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ ने कोई सिंपल थीम इस नोवेल में यूज नहीं कर रखी। उन्होंने एक स्पेशल थीम जो कि फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, उन थीम का यूज कर रखा है। तो इसकी जो थीम है वो कौन सी है, द ट्रांसेंस ऑफ लाइफ एंड द वर्क। यह है जो लाइफ है उसका, जो लाइफ की जो रियलिटी है उसको जानना, एंड वर्क जो हम वर्क करते हैं उसका हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम क्यों करते हैं, किसी भी वर्क का जो रियल इंटेंशन है वो। जैसे जो यहाँ पर जो लिली के द्वारा जो पेंटिंग की गई है, उसके द्वारा जो क्रिएटिविटी की खोज के लिए जो पेंटिंग का जो वर्क है वो शुरू किया गया है, तो ये क्या है, एक लाइफ और वर्क के लिए जो हमारी सर्च है उससे रिलेटेड जो ये थीम है वो यूज की गई है। आर्ट एज ए मीन ऑफ प्रिजर्वेशन, और इसमें ये कहा है कि जो आर्ट होती है उसका मतलब प्रिजर्वेशन होता है, कि आर्ट जो होती है वो हमारी लाइफ को कहाँ पर एक बहुत ही अच्छे जो हमारे जो बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है उसकी तरफ लेके जाती है। तो आर्ट मेन प्रिजर्वेशन की आर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिली पेंटिंग इज एन आर्ट, और जो है यहाँ पर लिली की पेंटिंग है वो भी आर्ट है। सब्जेक्टिव नेचर ऑफ रियलिटी, उसने जो रियलिटी है इस नोवेल में क्या है, इस नोवेल में लाइफ भी है, डेथ भी है, जो हमारा टाइम पास है जो है पार्ट, उसमें मिसिज रामसे की भी डेथ हो जाती है, उसकी एक बेटी की डेथ हो जाती है, उसके एक बेटे की डेथ हो जाती है। तो इसने सिर्फ इमेजिनेशन को ही शो नहीं किया है बल्कि रियलिटी को भी इसने अपने नोवेल में प्रेजेंट किया है। द रेस्टोरेटिव इफेक्ट टू द ब्यूटी, ब्यूटी इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के लिए इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू लिलीज पेंटिंग। जो हमारा क्या है, रेस्टोरेटिव इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, कि हम ब्यूटी को कैसे कर सकते हैं सर्च, ब्यूटी क्या होती है, तो ये भी उसने क्या है, जो इसमें जो हमारे मिसेज रामसे है लिली के द्वारा, जो मिसेज रामसे है उसकी जो इनर ब्यूटी है उसकी सर्च की है, और उसने जो अपनी पेंटिंग है उसके द्वारा जो लिली का जो एग्जिस्टेंस है उसको शो करने की जरूरत की है। तो इसके साथ वो क्या है, रियलिटी को शो करती है। और अब इस वर्क के जो दूसरी जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है सिंबल्स। इसमें क्या यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। तो इसमें सिंबल कौन कौन से हैं, लाइट हाउस का है, लिली की पेंटिंग का है, रामसे के हाउस का है, सी का है, और एक बॉवर स्कल है उसका सिंबल यूज़ किया गया है। तो इसमें जो इस नोवेल, ये नोवेल है इसमें, इसमें जो जो वर्जीनिया वुल्फ है उसके द्वारा जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ किया गया है। जो सिंबल्स हैं उनके जो मीनिंग है उनका वर्णन मैं, उनका डिस्क्रिप्शन मैं जो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो है उनमें करवाऊंगी। इस जो वीडियो में मैंने सिर्फ उसके की फैक्ट्स जो हैं वो ही बताए हैं। थैंक यू।